बड़ी खबर इस वक्त नोएडा सेक्टर 62 से मिल रही है, जहां पर पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तो नोएडा में एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, पत्रकारों और डॉक्टर्स को भी नहीं निकलने दिया जा रहा। तो मेडिकल टीम और किसान भी वापस लौट गए हैं काफी देर तक। नोएडा सेक्टर 62 जो है वो सील रहा है और पत्रकारों, डॉक्टर्स, मेडिकल टीम को यहाँ पर काफी परेशानी हुई। कई पत्रकार और डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पर दौरा नहीं जा पाए। करीब एक घंटे नोएडा सेक्टर 62 पर ये आवागमन बंद रहा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जाम की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। और जैसा कि डीएम ने आदेश दिए हैं उसके मुताबिक दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी सेवाओं से जो जुड़े हुए हैं लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर पत्रकार ही क्यों ना हो, सभी के आने पर रोक लगा दी गई है। काफी दिक्कतों का सामना इस दौरान पत्रकारों को और स्वास्थ्यकर्मियों को करना पड़ रहा है। कई जो मेडिकल टीम्स हैं, जो किसान हैं, वो निकले थे लेकिन फिलहाल अब वापस लौट गए हैं। तो काफी देर तक, एक घंटे तक तकरीबन ये परेशानी वहां पर देखी गई है। तो जिस तरह से बॉर्डर्स को सील किया गया है, कई घंटे ये स्थिति वहां पर बनी रही जब डॉक्टर्स और पत्रकार काफी परेशान रहे। और इसी के चलते कई पत्रकार और डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी पर नहीं जा पाए।